टर्मरिक, हल्दी। उपयोगिता से हम सब वाकिफ हैं। इस कोरोना काल में हमने देखा हल्दी का दूध हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि हम घर पर आसानी से किस प्रकार हल्दी के पौधे लगा सकते हैं और हल्दी की फसल प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी लगाने के लिए आपको घर में एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप रहती हो और एक बड़ा प्लांटर रखने के लिए जगह उपलब्ध हो। आप अगर हल्दी के पौधों को देखोगे तो इस पे बड़े हरे पत्ते होते हैं और इसकी ऊंचाई 3 फीट तक जा सकती है। कभी कभी इस पे गुलाबी रंग के फूल भी दिखाई देते हैं। और जैसा कि अब सितंबर अक्टूबर के महीने चल रहे हैं, ये वक्त हल्दी लगाने के लिए ठीक है। इस वक्त मिट्टी में थोड़ी गर्माहट बनी रहती है और हल्दी लगाने के लिए हमें जड़ जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम राइजोम के नाम से जानते हैं, ये चाहिए होता है। राइजोम हमें आसानी से सर्दियों में सब्जी की दुकानों पर उपलब्ध हो जाता है। अब आप किस प्रकार की हल्दी, कौन सी वैरायटी हल्दी की लगाना चाहते हैं, उसके अनुसार आप राइजोम का चयन कर सकते हैं। वैसे तो ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन आप कोई विशेष प्रकार की वैरायटी या कोई विशेष किस्म हल्दी की अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं, जैसे मैंने इसे अमेजन द्वारा मंगवाया है। इन राइजोमों को हम छोटे भागों में काट सकते हैं और एक भाग में हमें कम से कम 2 या 3 बड नज़र आने चाहिए हल्दी को लगाने से पहले। अब जब हमने इसकी कटिंग कर ली है तो जहाँ से हल्दी हमने तोड़ी है वो किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट नहीं हो, इसके लिए हम इसमें फंजीसाइड लगा दें तो इसके ख़राब होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। हम घर पे आसानी से ये फंजीसाइड तैयार कर सकते हैं और ये घर में बनाया हुआ फंजीसाइड बाज़ार में उपलब्ध फंजीसाइड या केमिकल फंजीसाइड की बजाय बेहतर परिणाम देता है। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी हल्दी, कुछ लौंग, दालचीनी के कुछ टुकड़े, ये देखिए इसमें हमने लौंग ले लिए, ये दालचीनी के टुकड़े कुछ हमने इस्तेमाल किए हैं इसके लिए, और पिसी हुई हल्दी थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके अंदर, और इसमें कुछ लकड़ी का कोयला मिक्स किया है हमने और इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक पाउडर के रूप में बना लिया है और ये हमारा फंजीसाइड तैयार हो गया जो हमारे राइजोमों में हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरक की तरह ही हल्दी को भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पसंद है और इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए बेहतर रहती है, तो इसलिए हम गार्डनिंग सॉइल के अंदर 50% गार्डनिंग सॉइल में 25% कंपोस्ट और 25% कोकोपीट मिक्स करके हम इसके लिए पॉटिंग मिक्स सॉइल तैयार करते हैं। ये देखिए अब हम इस सॉइल को तैयार कर रहे हैं अपने राइजोम्स लगाने के लिए और ये राइजोम्स हमारे रखे हैं जिनको हमने ट्रीट कर लिया है फंजीसाइड से। अब इन राइजोमों को हम फ्लैट लेटा देंगे अपने प्लांटर के अंदर। हम यहाँ पे 5 से 7 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन के अपने प्लांटर में जो मिट्टी है उससे 5-7 सेंटीमीटर गहराई पे इन राइजोम्स को डाल देंगे। इन राइजोम्स को लगाने के बाद हम फिर इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा देंगे, ये देख पा रहे हैं आप इसको। और फिर हम एक बात का ध्यान रखें कि इस प्लांटर को हम जो सबसे गर्म स्थान हो हमारे छत का या घर का, वहाँ पे इन प्लांटरों को हम रखें, क्योंकि कम टेम्परेचर के अंदर स्प्राउटिंग नहीं हो पाती, राइजोम में से स्प्राउट्स नहीं निकल पाते और कई बार राइजोम के सड़ जाने का, ख़राब होने का भी खतरा बना रहता है। और ये लगभग 1 महीने बाद जब स्प्राउटिंग हो चुकी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ज़मीन में हम नमी बनाए रखें और दिन में 1 से 2 बार हम पानी की बारीक पोछार इनकी पत्तियों पर भी डालते रहें। हमें किसी भी सूरत में ज़मीन को सूखने नहीं देना है, क्योंकि ज़मीन सूखने के कारण हमें प्राप्त होने वाली हल्दी जो हमें इन पौधों से प्राप्त होगी उसकी मात्रा में कमी आ सकती है। अब ये हम लगभग 2 महीने बाद की स्थिति देख रहे हैं, हमारे पौधे बड़े होने लगे हैं, कुछ पौधे अभी निकल रहे हैं। स्प्राउटिंग वेरी करती है राइजोम टू राइजोम और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हम नियमित रूप से 2-3 दिन में, 1-2 दिन में इसको चेक करते रहें कि हमारे ज़मीन में ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड है नहीं, क्योंकि हल्दी की फसल के लिए मुख्य बात यह है कि हमारी ज़मीन में नमी आवश्यक रूप से बनी रहे। वैसे तो जनरली हल्दी खुद इंसेक्टिसाइड का काम करती है, पर हम समय समय पे इस पे अगर हमें किसी प्रकार के इंसेक्ट्स दिखाई दे तो नीम ऑयल का प्रयोग हम इसके ऊपर कर सकते हैं। 3 महीने के आसपास हमारे पौधों की ऊंचाई लगभग 2 फुट के आसपास हो जाती है
और इस वक्त हम मल्टीपल शूट्स देख सकते हैं, हमारे हर राइजोम में से कई शूट निकलने शुरू हो जाते हैं। हल्दी हार्वेस्टिंग में लगभग 10 महीने का समय ले लेती है, और जब हल्दी के पत्ते इस तरह पीले पड़ जाएं, आप देखें कि पत्ते सूख चुके हैं, ये समय है हार्वेस्टिंग का। ये देखिए, ये पत्ते पूरी तरह पीले पड़ चुके हैं, सूख चुके हैं, तो हम धीरे धीरे इसकी जड़ों की खुदाई करते हैं। और ये देखिए आप, हल्दी आपको नज़र आने लगी है। एक पौधे से आप लगभग 500 ग्राम तक हल्दी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर पे बहुत आसानी से हल्दी का उत्पादन कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ही पौधों से हमने कितनी सारी हल्दी प्राप्त कर ली। तो उम्मीद है आप एक बार इसका प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।